This is not a regular tutorial. This is the video recording of our online class. So make sure before watching because it might contain a lot of question answers, discussion and stuff like that. Thank you so much for being the part of learners. ये आप कोई regular tutorial नहीं देख रहे, ये हमारी online class है और इसमें बहुत सारी discussions है, question answers होंगे इस video में. तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे कोई और वीडियो देख लें. ये हमारी रेगुलर क्लास की प्लेलिस्ट है. थैंक यू सो मच. चले स्क्रीन शेयर करें. स्क्रीन शेयर करें. जायद स्क्रीन शेयर करो. ठीक से डिसेबल्ड है. तैमूर देखो इस इशू को. तैमूर ये इशू सॉल्व करो. तैमूर जी सर ये इशू सॉल्व करो यार. स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही इनकी. सर जी अभी चेक कर लें. सर वो मैं ग्रुप में सबको देख रहा था, मेंशन कर रहा था कि लड़के कल भी कम थे और आज भी कम है. ठीक है कम है तो उसका तो हमारे पास कोई सलूशन नहीं है यार. हम तो नहीं लेके आ सकते. हाँ जी नज़र आ रही है. दिखाइए कोड दिखाइए. रन आपका कल भी हो रहा था. कोड दिखा दें हमें. जो कॉम्बो बॉक्स वाला टास्क का था ये मुझे पीओएस का ये यूआई बनाया ना वो. बस मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम लोग आज स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अपनी लाइब्रेरी को. ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है इसको कल देखेंगे. कल जिसका सबसे अच्छा डिज़ाइन होगा वो मुझे सेंड कर देगा. हम उस पर कोड करना स्टार्ट कर देंगे. सर इसका ये कोड दिखा दे. फॉर्म लोड से आ गया. ये कोड दिखाएं. ये वाला जो आपने लिखा हुआ है डेटा लिस्ट वाला कोड वो दिखाएं. डेटा लिस्ट जी सर ये ठीक है. नीचे आने दें. इसमें आपने फंक्शन ओवरलोडिंग कहीं पे की है? नहीं सर दोनों के लिए ना वो क्योंकि ये दो असाइनमेंट थी ना तो दोनों के लिए दो दो पे लिया मैंने. कोई ऐसा हो जिसने फंक्शन ओवरलोडिंग की हो? कल कोई दिखा रहा था मुझे काम. हमजा ने आई थिंक किया था. सर जाहिद भाई थे. ये जाहिद ही है ना. इसके तो मैंने आपको ये दिखाया ना अभी. ये इसके दो मेथड बने हुए हैं क्योंकि ये दो डेटाबेस में थे ना दो असाइनमेंट डिफरेंट थी. तो अच्छा मुझे ये बता दे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे क्या डेफिनेशन है इसकी. इसके बारे में मुझे थियोरेटिकल तो इतना नहीं पता है कि बस इसमें ये होता है कि एक मेथड को जो है वो हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं. अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म से उसका नहीं अंदाजा. किसी और को. हमजा सोहेल ने सी प्लस प्लस अभी ताज़ी ताज़ी पढ़ी है. हमजा बताओ पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड ना कंसेप्ट
पढ़ा था मगर गया। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का तो मुझे पता है कि एक ही फंक्शन को सेम नाम से पर जब कॉल करवाते हैं उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स पास करवा देते हैं, डिफरेंट फंक्शन, मगर वो फंक्शन एक ही होता है, बार बार उसी नाम से ही ओवरलोड हो जाता है। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि पॉली मीन्स सेम डिफरेंट, डिफरेंट। हाँ, पॉली मीन्स डिफरेंट और डिफरेंट मॉर्फिज्म का मतलब है वैसे फॉर्म, मतलब एक चीज़ है ना, जो एक चीज़ वो है तो एक चीज़ है लेकिन वो डिफरेंट काम करती है, उसके डिफरेंट उसको टास्क असाइन हुए होते हैं। और बेसिकली इसकी ये टाइप्स होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो बेसिकली यार एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, आज पेमेंट कर देंगे, आई एम बिजी समवेयर। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये मतलब होता है कि एक चीज़ है आपके पास, जो मतलब चीज़ तो एक है, जैसे तैमूर है तो ये एक चीज़ है और एक पर्सन है और ये काम डिफरेंट करता है, ये प्रोग्रामिंग भी करता है और मोबाइल का काम भी करता है और उसके अलावा एक अच्छा फादर भी है, मतलब एक ही बंदे की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में ये होता है कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, वो डिफरेंट काम कर रहा होता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग भी सिमिलर कॉन्सेप्ट, मतलब ये इसी के अंडर ही आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, और इसमें फिर आगे स्टैटिक ओवरलोडिंग और इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक डीप डिस्कशन है, हम इतना ज़्यादा थ्रेटिकली चीज़ों को नहीं लाएंगे, वो कम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर इसके बारे में किसी को डिटेल से देखना है तो वो देख सकता है। बेसिक पर्पस ये है मेरा पूछने का, किसी बंदे ने जो मैंने टास्क दिया था उसको फंक्शन ओवरलोडिंग से करने की कोशिश की हो? राव भाई, आप इसको लेमन लैंग्वेज में इसको मल्टीटास्किंग कहेंगे? हाँ जी, मल्टीटास्किंग भी आप कह सकते हैं। ये गूगल क्रोम आपको नजर आ रहा है? जी 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 सर। अच्छा, अभी तो इसकी जाहिद ये अपने इस खोलो ना, गूगल क्रोम खोलो, उस पे लिखो पॉलीमॉर्फिज्म, ताकि सबको पता चल जाए कि इधर से सर्च करना, देख लेंगे उसको। बेसिक जो मेरा टास्क है वो आपसे पूछना वही था कि किसी बंदे ने जो टास्क दिया था उसको फंक्शन एक ही फंक्शन के साथ अचीव करने की कोशिश की है विद डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होता है कि हम एक ही फंक्शन को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक ही फंक्शन को ओवरलोड कर रहे होते हैं। जैसे इसने लिखा है ना सर्च प्रोडक्ट, और हम एक और फंक्शन बनाए उसका नाम भी सर्च प्रोडक्ट हो, एक और बनाए उसका नाम भी सर्च प्रोडक्ट हो, लेकिन वो वेरी करेगा किस तरह से, नंबर ऑफ पैरामीटर्स से। सही है? ये सारी पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ गई है, टेक ऑन मेनी फॉर्म्स। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। कौन की है? C++ वाली पॉलीमॉर्फिज्म वाला मैं बोलूं? एक चले आप शेयर कर दो उसमें। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मींस many and morphism means forms. In object oriented programming polymorphism is the ability of objects of different types of respond to function of the same name. The user does not have to know the exact type of the object in advance. The behavior of the object can be implemented at runtime. It is called late bind or dynamic बिल्डिंग। अच्छा आगे खोलो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन खोलो, बस ठीक है, इस आपको बस बताना ही मकसद था इसका। फंक्शन ओवरलोडिंग कौन सा सर? फंक्शन ओवरलोडिंग सर, एक सेकंड मैं ना ओपन कर रहा हूं। ये सर आ रही नजर? हां हां, ओवरलोडिंग अलाउज अ क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर। समझा की बात की सबको? मेथड ओवरलोडिंग अलाउज अ क्लास। अच्छा मुझे ये बताएं मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही चीज होते हैं। कल इसके बारे में भी देखिएगा, ऊपर आपने लिखा फंक्शन ओवरलोडिंग, नीचे लिखा रहा है मेथड ओवरलोडिंग। जी जी
हाँ इसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि क्या डिफरेंस होता है। मेथड ओवरलोडिंग अलाउज अ क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर। सी शार्प फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइप, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम इसे दे रहे हैं, एंड काइंड जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं वो भी, या वैसे सिंपल हम जो पैरामीटर्स देते हैं उनकी बेस पे भी वो डिफरेंट हो सकते हैं। नेम सेम होगा लेकिन काम उनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, आज हम कुछ इसी चीज़ को अचीव करेंगे। और मैंने जो टास्क दिया था वो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक लोगों ने किया है लेकिन उस तरह से नहीं कर सके। कोई है जिसको लग रहा है कि उसने काम ठीक किया और वो दिखाना चाहता है? एनीवन? हमने तो जो किया था दिखा दिया आपको। जाहिद मैं आपकी स्क्रीन से कंट्रोल ले रहा हूँ यार, मुझे कंट्रोल देना। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा चले ठीक है, बंद कर दें स्क्रीन। कोई भी ऐसा नहीं है, हम कितने लोग हैं तैमूर टोटल? शेयर बंद कर दें। 18 सर। 18 में से कोई ऐसा है जिसको? 18 है, 18 में से तार बार दो दो दफ़ा है तो हम 17 है टोटली। चले 17 में से कोई ऐसा हो जिसको लगे कि उसका काम ठीक है और वो दिखाना चाहता है। सर जो बस जनरल एप्रोच सर वही सर यूज़ की है तो कोई दिखाने लायक नहीं है काम, बस ये है कि हो गया। अच्छा मतलब जो सर जो चीज़ आपसे देखना चाह रहे हैं ना कि मतलब फंक्शन ओवर लोडिंग वो चीज़ नहीं यूज़ की। अच्छा सही सही, चलो ठीक है। अभी फिर देखो फिर सब लोग क्या हो सकता है। स्क्रीन सबको मेरी नज़र आ रही है? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। हाँ अच्छा सही है। आज हम डिज़ाइन के बारे में इतना वो कोई बात नहीं करेंगे। सर जी सॉरी सर मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। आज जो है ना सर मैंने सर चार डिज़ाइन बनाए हैं डैशबोर्ड की, तो वो सर ना एंड पे सर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि वो सर फिर मैं आपको दिखा सकूँ, फिर जो आप कहेंगे फिर बाकी फॉर्म भी मैं उसी तरह से फिर बना लूँगा तो एक आइडिया सा हो जाएगा सर। अच्छा सही है, कोई मसला नहीं। राव भाई मैंने भी अपना डिजाइन दिखाना है क्योंकि कल मैं नहीं हूंगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा देखते हैं उस पे थोड़ा सा गाइड करना। श्योर श्योर, हम अभी 20 एक मिनट चाहिए, 10 मिनट जो हमने आज का काम करना है ना उसके बाद फिर वो देखते हैं। अच्छा ये फॉर्म्स को जो है ना वो फॉर्म को अभी हम नहीं छेड़ते, हम दोबारा से इसमें क्या करते हैं एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं। ये नया मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जनरल। अच्छा इसमें सेटिंग्स वगैरह होंगी तो एक और फोल्डर बनाता हूँ। अच्छा सर एक बात पूछनी थी सर आपसे। हाँ जी सर, मैंने वीडियो में सर देखा था कि सर आपने फोल्डर बनाया था इमेजेस का। हाँ लेकिन सर जब हम सर करते हैं ना सर तो वो जब भी तस्वीर हम इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिसोर्सेज के फोल्डर में जाता है, इमेजेस वाले में नहीं जाता। इमेजेस में अगर हम कॉपी करते हैं वो पिक्चर को फिर वो जाहिर है वो फोल्डर का नाम मांगता है, तो ये सर कैसे था कि रिसोर्सेज का आपका वो फोल्डर शो नहीं हो रहा था? वो पता नहीं या फिर आपने उसे इमेजेस में ना रीनेम कर दिया था। चलो वो एक और क्वेश्चन है, उसको छोड़ो इग्नोर करो फिलहाल, अभी फोकस करो काम पे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये जो है मैंने एक फोल्डर बनाया DAC, मोस्टली यूज़ होता है, इसको कहते हैं डेटा, सॉरी इसको रीनेम करते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ DAL, डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, उस दिन हमने इसको डेटा लिस्ट नाम दिया था, कुछ भी नाम दे सकते हो डजेंट मैटर। इसमें मैं क्या करता हूँ एक क्लास ऐड कर लेता हूँ DB, क्लास का नाम क्या DB और ऐड कर देते हैं उसको। सही है, अब टोटली हम इस क्लास पे आज जो हमारा वो काम है इसी क्लास के बारे में काम है। ये हमने स्टैटिक एक क्लास बना ली है DB की। ठीक है, और पहला फंक्शन मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। मैंने जाहिद की स्क्रीन से कॉपी तो किया था लेकिन वो शायद आएगा, अभी नहीं आ रहा।
अच्छा सही है, पहला फंक्शन लेट से मैं बनाता हूँ, पब्लिक हाँ पब्लिक स्टैटिक डाटा टेबल और गेट डाटा लिस्ट, और इसको हमने क्या देना है, एक स्टोर प्रोसीजर देना है बस, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डाटा टेबल रिटर्न करेगा, सही है जी सर। हाँ तो हम क्या करते हैं, एक डाटा टेबल बना लेते हैं, डी टी इक्वल्स टू न्यू डाटा टेबल, और फिर यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन सी ओ एन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हमें क्या देना है अपना स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या करना है, सी एम डी डॉट, ओ सॉरी ये हमने गलत कर दिया, इस जगह पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। तो चूंकि अभी हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जनरल का फोल्डर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ऐड कर लेते हैं एक और क्लास, और इस क्लास को मैं नाम देता हूँ ऐप कनेक्शन। ये भी पब्लिक और स्टैटिक क्लास होगी, और इसमें मैं क्या कहता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इधर से मैं रिटर्न करवा देता हूँ सिंपल एक माई कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता हूँ। फंक्शन ऑलरेडी आपके पास बने हुए हैं, मुझे कोई कनेक्शन स्ट्रिंग या कोई डेटाबेस को लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँगा, अकॉर्डिंगली आप अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। जी सर। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है ऐप कनेक्शन कंट्रोल डॉट नेम स्पेस इम्पोर्ट की गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। जी सर। फिर यूजिंग एसक्यूएल कमांड सी एम डी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे हमने क्या देना है, स्टोर प्रोसीजर और कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और फिर हमने सी एम डी डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, उसके बाद हमने चेक करना है इफ़ कनेक्शन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, देन गो हैड एंड प्लीज ओपन माई कनेक्शन। ओके सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डाटा रीडर एस डी आर इक्वल्स टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। बेस्ट अप्रोच ये होती है कि इसी स्टेज पे आप ये भी मेक श्योर कर लो कि डाटा आ भी रहा कि नहीं आ रहा। तो कैसे करेंगे, इफ़ एस डी आर डॉट हैज़ रोज देन गो हैड एंड लोड दीज रोज इन टू और डाटा टेबल। ओके एंड फाइनली आफ्टर दिस यूजिंग स्टेटमेंट हम सिंपली क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे डी टी। इस जो कोड मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई मसला नहीं, सर, नहीं ये ठीक है, पक्की बात है जी सर। जी बिल्कुल। यार मुझे पानी पीना पड़ेगा, एक सेकंड बस। हाँ जी आप लोगों को आवाज़ आ रही है?
सर इसमें इसमें पैरामीटर्स वगैरह नहीं होंगे किसी भी स्टोर प्रोसीजर के? अगर स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज गो विद द हैप्पी पाथ. गॉट इट? जाहिद समझ आई मेरी बात की? सर आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, क्या क्या आपने? मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना चीज़ों को, हमेशा हैप्पी पाथ से स्टार्ट करते हैं. ओके सर. नहीं मैं तो वो एक कोड पढ़ रहा था इसलिए मैंने. अच्छा ये हमने अपना पहला मेथड लिख दिया, सही है? जी सर. टोटली काम हम डमी करेंगे, हम ना कोई स्टोर प्रोसीजर इसे देंगे, ना कोई हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन. देखो हमने क्या दिया, सिंपली माई कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, डेटाबेस वाली साइड पे नहीं जा रहे, फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे. अब हमें यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक लगा रहा हूँ कम्बो बॉक्स, और एक लगा रहा हूँ क्या डेटा ग्रिड व्यू. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं. लेट से मैं इसे कह देता हूँ यार सिंपल कम्बो बॉक्स, और ये क्या है सिंपल डाटा ग्रिड व्यू. सही है, और तीन चार बटन लगा देते हैं, बटन इसको इधर ड्रैग कर दो. इसका नाम रख देता हूँ मैं सिंपल डिलीट बटन, और डिलीट बाय सिंगल बटन, और डिलीट बाय मल्टीपल बटन. सही. ये आ गया, इसको कर देते हैं सिंपल डिलीट और सिंगल पैरामीटर डिलीट, और इसे क्या कर देते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स डिलीट. ठीक है जी सर. और ये हमारे पास ये सिंपल कम्बो बॉक्स था. एक मुझे लेबल भी ले लेनी चाहिए, और एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेना चाहिए. ठीक है, ये लेबल इधर लगाते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं सिंपल, और इसे ड्रैग कर देते हैं यहाँ से नीचे, और यहाँ से नीचे. टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है. इसी तरीके से ये ग्रिड है मेरे पास, एक ये आ गया, दो फिर ये आ गया तीन. इसको इधर कर लेते हैं, ये इस तरह से बेहाल से बेहतर रहेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. सही है जी सर. ये हो गया सिंगल पैरामीटर. गौर से देखिएगा, ये पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोर्स में आपने यही काम करना है. ठीक है सर, इंशाल्लाह. मल्टीपल पैरामीटर, सही है. इसी तरीके से इसकी कॉपी बना लेते हैं. ये सिंगल वाला है, ये मल्टीपल वाला है, सॉरी हाँ ये मल्टीपल वाला है. ठीक है, अब ये हमारा काम है. अभी तक हमने एक फंक्शन लिखा है जो सिंपल डाटा लिस्ट को गेट करता है. ठीक है, ठीक है सर. अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्सेस. बल्कि इसको इधर नहीं बनाते, क्योंकि अभी हम लाइब्रेरी को सिंपल करेंगे, उसके बाद जो है ना चीज़ों को देखेंगे मज़ीद. अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे इस डाटा ग्रिड व्यू में और इस कम्बो बॉक्स में डाटा लोड करना है, ऐसे ही है ना? जी सर. अच्छा, मैं चलता हूँ अपने डेटा एक्सेस लेयर में, और इधर एक और क्लास ऐड करता हूँ, और इस क्लास को मैं नाम देता हूँ क्या डेटा लिस्ट, और इसे मैं क्या कर देता हूँ पब्लिक, और इसमें मैं क्या करता हूँ एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड
लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स, बॉक्स और क्या करते हैं कम्बो बॉक्स का इंपोर्ट कर लेते हैं कम्बो बॉक्स, ठीक हो गया जी सर। और एक और सर दो दफा हम क्यों लिखे सर, पब्लिक स्टैटिक वाइड लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू और ग्रिड व्यू ये कर लेते हैं। क्या कहा आपने सर? मैंने ये कहा कि ब्रैकेट्स में जो ये कम्बो बॉक्स लिखा हुआ है ना, ये दो दफा है, ये कम्बो बॉक्स जो है वो क्लास है और ये इसका पैरामीटर नाम है। अच्छा सर, हाँ जैसे ये नहीं होता जी जी, इंट यूजर आईडी स्ट्रिंग, ठीक है सर, यूजर नेम ऐसे ही वो होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। कम्बो बॉक्स, कम्बो बॉक्स सही है, ठीक है सर। अब वे को समझें, हम चलते हैं इसके कोड पे और बल्कि इसको डबल क्लिक करके लोड इवेंट जनरेट करते हैं। और पहला हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स और यहाँ पे क्या करते हैं, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, गॉट इट जी सर। अच्छा जी। अब यहाँ से हमने कम्बो बॉक्स में डाटा लोड करना है तो हम किसको क्लास को कॉल करेंगे, डाटा लिस्ट को, ऐसे ही है ना, ये मेथड्स हमारे पास डाटा लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ डाटा लिस्ट कंट्रोल डॉट नेम स्पेस इम्पोर्ट की डॉट लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स और इसको क्या चाहिए कम्बो बॉक्स का नाम, तो मैं क्या कर देता हूँ सिंपल कम्बो बॉक्स, सही है, डाटा लिस्ट डॉट लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स और मैं इसमें क्या कर देता हूँ सिंगल कम्बो बॉक्स। यार उनके मैंने नाम नहीं चेंज किए, सिंगल कम्बो बॉक्स फिर मल्टीपल कम्बो बॉक्स, सिंगल कम्बो बॉक्स से मतलब है सिंगल पैरामीटर वाला कम्बो बॉक्स जी सर, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, इसको लोड इवेंट से ना कट कर, बल्कि मैं क्या करता हूँ एक यहाँ पे बटन लगाता हूँ, ये बटन लगा दिए मैंने, इसको मैं क्या कर देता हूँ रन कर देता हूँ, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये वाला कोड जो है हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैं बटन क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, डाटा लिस्ट को कॉल करेगा और डाटा लिस्ट क्लास क्या करेगी, सिंपल कम्बो बॉक्स में डाटा लोड कर देगी, ऐसे ही है जी सर। अगरचे हमने ये कोड नहीं लिखा। अब डाटा लिस्ट क्लास का क्या काम है, यार एक सेकेंड रुकना, हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेटा लिस्ट वाली क्लास है इसने कॉल करना है किसको, डीबी को, ऐसे ही है ना जी सर। चूंकि जो डेटा गेट करने वाला कोड है ये एसक्यूएल कनेक्शन और कमांड्स वगैरह वो सारी किधर पड़ी हुई है, डीबी में पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना सर, बिल्कुल सर। हाँ तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीबी डीबी इक्वल्स टू न्यू डीबी और यहाँ पे क्या करेंगे, बल्कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, स्टैटिक क्लास है, तो मैं क्या करूँगा कम्बो बॉक्स डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू डी बी डॉट गेट डाटा लिस्ट और मैं इसे स्टोर प्रोसीजर का नाम यहाँ से दे दूँगा लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है जी सर। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कम्बो बॉक्स
बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दूँ, इफ कम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, अगर उसमें आइटम्स ज़ीरो से ज़्यादा पड़ी हुई हैं तो फिर पैक करो कम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेम्बर इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, जो हमने एज्यूम कर रहे हैं हमारा वो लिस्ट टाइप्स वाला है, कम्बो बॉक्स डॉट वैल्यू मेम्बर इक्वल्स टू डेटा आईडी डेटा। ये आपके काम करेगा, ये जो जेनेरिक फंक्शन आपने डेटा लिस्ट में बनाया ये सिर्फ जेनेरिक कम्बो बॉक्सेस के लिए काम करेगा, अदरवाइज आपको ये बताने पड़ेंगे इसके कॉलम्स कौन से, क्योंकि ये सबके लिए तो काम नहीं करेगा ना, सबके लिए डिफरेंट कॉलम्स होंगे। सर इसका एक हल मैंने किया था, बताऊं? मुझे ऑलरेडी बहुत से हल पता हैं वो, ठीक है सर। हाँ आप जो है ना वो आप अपनी हद तक जो अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपल सा ये है कि आप यहाँ पे दो पैरामीटर्स और ले लो, डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर, ठीक है, जो उधर से आपने लोड करना है वो करके तो इधर आके डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज उससे सिंपल आ लिए कि स्टोर प्रोसीजर में जाओ और उधर ये दे दो दो वैल्यूज एज करके, जो आप डाटा फेच कर रहे हो एज वैल्यू मेंबर जो भी है, लेट्स से कस्टमर आईडी है, आप कस्टमर का डाटा लोड करना चाहते हो तो आप क्या कर दो, सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज डाटा आईडी, सही है, समझ आई बात की? जी जी बिल्कुल, वो पैरामीटर को जो है वो चेंज करते हैं। हाँ उधर से हम ऐसे ही डाटा लेके आ जाएं वहीं से, तो ये सब के लिए काम जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब ये इसका फ्लो हो गया, इसने डाटा ले लिया, अब हमें डाटा ग्रिड व्यू में डाटा लोड करना है, तो मैं इस रन पे डबल क्लिक करता हूँ दोबारा, ये कम्बो बॉक्स के लिए था, अब डाटा ग्रिड व्यू के लिए चाहिए, डाटा लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, डाटा लिस्ट डॉट लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, और इसमें हम अपना देंगे इनके नाम, अगेन इनके नाम मेक श्योर करते हैं सिंपल, फिर इसका नाम है सिंगल ग्रिड और मल्टीपल ग्रिड, ठीक है, इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डेटा ग्रिड व्यू, और इसको इसकी तीन कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं सिंगल सिंगल ग्रिड ग्रिड लिख दिया, और इसे हम नाम दे देते हैं मल्टीपल ग्रिड, ठीक है। अब अगेन हमने इसको अपने डाटा लिस्ट में वो ठीक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा ग्रिड, इसका नाम क्या हमने रखा, ग्रिड व्यू, ये देखिए आसम, ये जो ग्रिड व्यू नाम रखते हैं उसको हम नीचे पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सर। डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल्स टू डीबी डॉट गेट डाटा लिस्ट, और इसमें मैं नाम दे देता हूँ यूएसपी अंडरस्कोर लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, ये स्टोर प्रोसीजर भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उधर से, चूँकि हर दफ़ा तो नहीं ना आपने सेम डाटा लोड करना जी, तो आपने हर दफ़ा स्टोर प्रोसीजर का नाम भी देना है इसको, ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर प्रोसीजर, तो ये क्या कम्बो बॉक्स का भी इसी तरह तरीके से आप करना चाहते तो कर सकते हैं, यहाँ पे आके मैं दे दूँगा स्टोर प्रोसीजर का नाम लोड एम्प्लॉइज डाटा, ठीक है, और इसमें हम नाम देते हैं लोड एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी, और तीसरे में हम लोग क्या कर देते हैं लोड एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय नेम एंड आईडी, ठीक है, ये तीन हमने इसको पैरामीटर्स दे दिए। अब हमने क्या करना है, ये स्टोर प्रोसीजर स्टैटिक भेज रहे हैं, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये वाला स्टोर प्रोसीजर इसको भेज देंगे। अभी तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो इट्स ओके, नहीं बहुत अच्छा, अभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, इन दो लाइनों को क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से इन दो लाइनों को कमेंट कर रहे हैं, चूँकि ये भी इस स्टेज पे यूजलेस है हमारे लिए, एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, सही
सबको नजर आ रहा है? जी जी सर। रन करते हैं तो अब देखो क्या हो रहा है। पहली दफ़ा ये हिट होगा डाटा लिस्ट डॉट लोड डाटा इनटू। स्टेप इनटू करते हैं तो देखो कौन सी क्लास में आ गया, डाटा लिस्ट में आ गए। कम्बो बॉक्स पे ओवर करते हैं तो ये क्या नाम लेके आ रहा है? अच्छा ये इसको कम्बो बॉक्स ही दे रहा है। नेक्स्ट करो, अब ये इस जगह पे आके किधर जाएगा, डेटाबेस वाली क्लास में जाएगा। तो ये देखो ये डेटाबेस वाली क्लास हमें डेटा टेबल रिटर्न कर रही है, ठीक है जी सर। कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, फिर नीचे आ गया। अच्छा वो कनेक्शन में ही मसला आ गया। हाँ, स्टेप इनटू कर दिया, अब स्टेप ओवर किया, अच्छा इधर वो स्टिल मसला देगा चूँकि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है, ठीक। यहाँ से आएगा, कमांड देगा, स्टोर प्रोसीजर बताएगा, कनेक्शन को ओपन करेगा, डाटा लेगा और रिटर्न क्या कर देगा, डाटा टेबल। ये डाटा टेबल रिटर्न होगा कि डाटा लिस्ट को इधर से, और ये इसके कम्बो बॉक्स के डाटा सोर्स में ये डाटा टेबल असाइन हो जाएगा, ठीक है? ये फ्लो है हमारा। बेटर ये है कि आप इसके लिए भी स्टोर प्रोसीजर का एक पैरामीटर दे दो ताकि आपको स्टैटिक ना लिखना पड़े। स्ट्रिंग स्टोर प्रोसीजर, और इसको यहाँ से क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो स्टैटिक वाले को स्टोर प्रोसीजर। अगर जेनेरिक लिखना है तो जेनेरिक के लिए आप एक स्टोर प्रोसीजर के लिए अलहदा फंक्शन बना लो तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, लोड एम्प्लॉइज डाटा। ये तो वही काम है ना, सिर्फ हमने दो लेयर्स बनाई हैं, एक डाटा लिस्ट वाली बना दी है और एक हमने डीबी की बना दी है जिसका एक्चुअल काम है डेटाबेस के साथ। जी जी हाँ, इतना काम आप लोगों को ऑलरेडी आता था। जूम की मिनट एक मीटिंग एक मिनट से कम रह गई है तो हम अगली बात मीटिंग के बाद दोबारा से करेंगे। तैमूर बंद कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट करो। ओके सर। हाँ जी, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी सर। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से आ जाए यार, जल्दी से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? कोई भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं ना आपको तकरीबन 25 मिनट्स के बाद कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इट्स ओके, ठीक है, मैं करता हूँ कॉल, कोई मसला नहीं, मैं कॉल करता हूँ आपको। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा कितने लोग आ चुके थे तैमूर? और 17। पहले कितने थे? 22। आ जाए यार, किधर रह गए? ये रिजवान ने मुझे सेंड किया है डैशबोर्ड की स्क्रीन। रिजवान ऐसे ही है? रिजवान कौन? अभी नहीं आया मेरे ख्याल में, आ गया अभी आया। रिजवान कनेक्टिव बहुत लेट होता है। जी सर। रिजवान आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डैशबोर्ड स्क्रीन की पिक्चर सेंड की है? जी सर। ऑसम लग रही है यार, ऐसे ही मज़े का डिज़ाइन बनाओ, बहुत अच्छी लग रही है ये। मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे इंशाल्लाह ऐसे बनाऊंगा। मुझे डिज़ाइन से बिल्कुल भी एक किस्म की एलर्जी है, और दिखने में जो चीज़ अच्छी लगे ना, इस तरह का मज़े का डिज़ाइन बनाओ। चूँकि ये 40 लोगों ने ये प्रोजेक्ट सेल करना है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करे। मैं वो लूँगा जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा, जिसमें आप लोगों की वोटिंग भी होगी, जिसे जो सब लेंगे ना, जब सब मतलब एक्सेप्ट करेंगे जिसको, वो लूँगा मैं उस पर कोड करूँगा, और ताकि वो मैं कल को मैं भी रीयूज़ कर सकूँ और आप भी कर सकें। इसलिए मज़े का डिज़ाइन मेरा साहब की तरफ ही है। क्या मेरा वोट रिजवान साहब की तरफ ही है? नहीं नहीं, अभी इतने जल्दी वोट नहीं लेना हमने, ऐसी बात आप फिर वो मेरे ख्याल से शेख रशीद हो या क्या हो, बाकी लोग डिसार्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप भी तो बनाओ ना भाई। नहीं मैं बाकी लोगों को डिसार्ट नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैं स्टिल किसी के रिजवान ने भेजा है तो इसलिए मैंने भेजा, कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, इसलिए कहा कि
शायद इस लोगों इससे ज़्यादा भी लोगों ने अच्छे बनाए हों, तो सब लोग असम नहीं, नहीं वो तैमूर ने वोट दे दिया था ना इस वजह से। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे थे, वो उसने हमजा ने तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए ताकि मतलब यार पता लगे कि आप लोग काम कर रहे हो, सही है इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा अच्छा इधर तक तो सब लोगों को ऑलरेडी हम कर चुके हुए थे ना, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। जी जी हाँ। अब लेट से मैंने इसको इस सिंगल पैरामीटर वाले ये लेट से हमने क्या किया है, लोड डाटा लोड एम्प्लॉयज़ डाटा। लेट से हम सिंगल पैरामीटर वाले की तरफ आते हैं और मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए और मैंने उसकी क्या पास करनी है, आईडी भी पास करनी है, लोड एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है नहीं क्या हुआ है नहीं आ रही है। क्या नहीं हुआ स्क्रीन का बॉर्डर लेकिन स्क्रीन तो आ रही है सबको स्क्रीन आ रही है अपना नेट चेक करो यार बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है जी सर बिल्कुल। अच्छा अब हमने एम्प्लॉय आईडी की बेस पे डाटा लोड करना, तो चलते हैं डाटा लिस्ट वाली क्लास में, यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं डीबी को, तो जाहिर सी बात है डीबी में चलना पड़ेगा। पहला फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉय आईडी की, कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर दिया, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी चूँकि सेम नेम के साथ हम नहीं यूज़ कर सकते, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो मैंने एक क्या ले लिया इंट आईडी, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और पैरामीटर का नाम है मेरे पास लेट से एम्प्लॉय आईडी, और वैल्यू इसकी आ रही है क्या आईडीआर। ठीक है हाँ। अब मैं इसको पास कर सकता हूँ ये आईडी, डेटा लिस्ट में आते हैं, लेट से मैं इधर से ही इसको पास कर देता हूँ, चूँकि हमने इस अप्रोच को यूज़ नहीं करना। देखा आप दो फंक्शंस हैं, आप अक्सर सी शार्प का कोड लिखते हैं ना, इधर आके लिखो आप लिखो मैसेज बॉक्स डॉट शो पैरेंथेसिस लगाओ तो देखो कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं 21 सेम नाम के साथ 21 फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग उन्होंने की हुई है, देखो ये एक पैरामीटर है सिर्फ टेक्स्ट नज़र आएगा, इसमें ओनर भी नज़र आएगा और टेक्स्ट नज़र आएगा, फिर टेक्स्ट और कैप्शन, फिर ओनर टेक्स्ट और कैप्शन, और ये इस तरह से ना मतलब हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अब इसी तरीके से हमारी खुद की क्लास का भी क्या सिनेरियो चल रहा है, अगर हम डेटा लिस्ट में आते हैं तो देखो ये भी चल रहा है, और अगर मैंने पैरामीटर देने हूँ तो देखो ये भी चल रहा है, क्या कह रहा है दो फंक्शंस अवेलेबल हैं। सही। अब मुझे क्या करना है, ये तो सिंपल था ना लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स वाला, ये मैं इसे यही रहने देता हूँ और इसी के नाम का एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, और इसमें मैं तीसरा पैरामीटर जो है वो लेता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ इंट आईडी, कि इसे आईडी भी देंगे, और ये आईडी मैं किधर पास करूँगा डाटा लिस्ट में पास कर दूँगा। ठीक है जी सर। अब मैं इधर से आके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आके तो देखो आईडी मुझसे मांग रहा है, मैं कहता हूँ वन एम्प्लॉय वन को लोड कर दो, गॉट इट, ये एग्जीक्यूट होगा ये कम्बो। अच्छा इस कम्बो बॉक्स का नाम हम लोग क्या कर देते हैं सिंगल कम्बो बॉक्स, ये कम्बो बॉक्स सिंगल कम्बो बॉक्स में डाटा लोड करेगा, ये स्टोर प्रोसीजर है और ये इसकी आईडी आएगी इधर इस फंक्शन में, और इसमें ये स्टोर प्रोसीजर ये जाएगा और ये आईडी जाएगी गेट डाटा लिस्ट में इस फंक्शन में। ठीक है कल मैंने कल किसी ने मुझे काम दिखाया था, मैंने उससे पूछा था कि उन्होंने तीन पैरामीटर्स तक किया था, अब लेट से मैंने दो पैरामीटर और देने, एम्प्लॉय का नाम भी देना है और उसका जेंडर भी देना है, मैं इसे क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ये एक पैरामीटर है मैं स्ट्रिंग, अच्छा सही है एम्प्लॉय नेम और स्ट्रिंग जेंडर, ये मैंने तीन पैरामीटर्स बना लिए। अब लेट से 10 पैरामीटर्स आ गए, फिर क्या करना है इसमें एरे ले सकते हैं, अरे एरे ले लेंगे या कोई और डाटा स्ट्रक्चर ले लेंगे,
किसी ने वो करने की कोशिश की है, ये तो कल एनम 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 सर कोशिश तो नहीं की, ये तो कल मैंने आपको बताया था एरेज ले सकते हैं या कोई डाटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं, उसकी किसी ने कुछ करने की कोशिश की हो तो सर फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं हम ये ऑप्शनल रख सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि फिर वो तो हम एक टाइप के दे सकेंगे, या तो फिर स्ट्रक्चर बना के दें तो है कि डिफरेंट टाइप्स के भी दे देंगे। सही, चलो अब सोचने का वक्त नहीं है, इसको हम क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अभी हम वापस जिधर थे उधर आ जाते हैं और इसके ऊपर कमेंट आउट कर देते हैं गेट डेटा टेबल विदाउट एनी पैरामीटर्स, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ विद सिंगल पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ SQL पैरामीटर और इसे क्या मैं नाम दे देता हूँ पैरामीटर। ये क्या है, ये एक क्लास है सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट में SQL पैरामीटर की एक क्लास है। इसकी डेफिनेशन में चलते हैं और ये देखो ये इनहेरिट है DB पैरामीटर से, उसके इंटरफेस से IDB डेटा पैरामीटर, और एक और इंटरफेस इनहेरिट है आई डेटा पैरामीटर, और एक और इंटरफेस इनहेरिट है आई क्लोनेबल, ठीक है। और इसके हमारे पास ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं SQL पैरामीटर, फिर पैरामीटर आप इसमें पास करते हो पैरामीटर नेम और वैल्यू, फिर पैरामीटर नेम और डेटा टाइप उसके ये पुरानी है वो जो हम पहले देते होते थे डेटा टाइप इतना और ये साइज़ इतना वो जरूर चीज़। तो ये एक क्लास है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है। अच्छा जी सर, अब ये सिंगल पैरामीटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, अब हमने इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, हमने डाटा लिस्ट में इसको पास करना है। देखो ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है कि मैं इसके आईडी का तो चूंकि हमारे पास है नहीं, इस आईडी को भी ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, हम इधर ही रहते हैं और ये भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ये जो है ना ये सिनेरियो, ये डेटा लिस्ट वाला सिनेरियो, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ये सिंपल डेटा लिस्ट की जो क्लास हमने बनाई थी ये सिर्फ बनाई थी अपने जेनेरिक्स काम करने के लिए, जैसे हमें लिस्ट टाइप्स लोड करनी है या वो करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम वापस चलते हैं फॉर्म पे, ये सिंगल पैरामीटर वाला इसको इधर कवर करते हैं सिनेरियो को, लोड डेटा बाय सिंगल पैरामीटर। अब हमने अपने DB क्लास में यूज़ कर लिया क्या SQL पैरामीटर, और ये हम इसे एक पैरामीटर देंगे और ये हमें क्या रिटर्न करेगा गेट डेटा लिस्ट, हमें डेटा टेबल रिटर्न करेगा। अब इसे हम यूज़ करते हैं, लेट्स से मैंने क्या करना है कम्बो बॉक्स, क्या नाम था उसका, सिंगल कम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू, और इसको मैं नाम देता हूँ DB डॉट गेट डेटा लिस्ट, और लेट्स से मेरा स्टोर प्रोसीजर है लोड एम्प्लॉई बाय एम्प्लॉई आईडी, और अगला मैंने इसको क्या देना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे SQL पैरामीटर। तो पहले इसका सिंपल सिंटैक्स लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल सिंटैक्स लिखते हैं SQL पैरामीटर कंट्रोल डॉट, इसको इंपोर्ट करें SQL पैरामीटर, इसको नाम देता हूँ मैं पैरामीटर इज इक्वल्स टू न्यू SQL पैरामीटर, और इधर आके मैं लिखता हूँ पैरामीटर डॉट पैरामीटर नेम, पैरामीटर का मेरा नेम है जी एट एम्प्लॉय आईडी, ये स्टोर प्रोसीजर में मैंने पैरामीटर यूज़ किया है, और पैरामीटर डॉट वैल्यू, वैल्यू लेट से मैं कहता हूँ 1 कर दो यार, एम्प्लॉय 1 मुझे दिखाओ। अब मैं सिंपल इसको पास कर सकता हूँ यहाँ पे पैरामीटर, समझ आई बात की, किसी को समझ आई हो सर? ये वैल्यूज अब हम एक तरह से डेटाबेस को इनपुट कर रहे हैं। हाँ ये बेच रहे हैं जी सर, ये वैल्यूज हम लोग बेच रहे हैं। अब अपनी DB क्लास में आओ ना,
देखो हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, फॉर्म वन से देखो हम भेज रहे हैं, ये हमने एक एसक्यूएल पैरामीटर बनाया है, फिर हमने बताया पैरामीटर का नाम ये है, ये वो पैरामीटर है जो स्टोर प्रोसीजर में हम लोग लिखते हैं एट सिंबल के साथ, पता है ना जी सर। और ये हम बता रहे हैं पैरामीटर का नाम ये है और पैरामीटर की वैल्यू ये है, और ये पैरामीटर हम ये ऑब्जेक्ट जो है इधर पास कर दिया हमने, अब ये इधर से आएगा डीबी वाली क्लास में, इसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब हमने इसे अपने पैरामीटर्स में पास करना है, तो कैसे करेंगे, cmd.parameters.addWithValue और पैरामीटर का नाम क्या है, इस पैरामीटर को कॉपी करो ऑब्जेक्ट को, पैरामीटर डॉट पैरामीटर नेम और इसकी वैल्यू क्या है, पैरामीटर डॉट वैल्यू, सिंपल एज दैट। समझ आ गई बात की, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ी सी मतलब रिपीट कर दें, थोड़ी सी ये कर सकता हूँ कि यार हमने थोड़ा सा ये काम किया है सर, अभी हमने डाटा लिस्ट को यूज़ नहीं किया क्लास को ना, हाँ उसको नहीं यूज़ किया क्योंकि वो किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ये डाटा लिस्ट स्पेसिफिकली जो क्लास है ना डाटा लिस्ट, ये डाटा ग्रिड व्यू और कम्बो बॉक्सेस में डाटा लोड करने के लिए, इसमें सिर्फ ये काम होगा right. इसका और कोई काम नहीं होगा, अगरचे हम अभी कम्बो बॉक्स में डाटा लोड कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली कर रहे हैं। जी अब क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, यही पॉइंट है। हाँ हम डाटा लिस्ट इसको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक उस काम के लिए जो हमने डाटा लिस्ट डाटा क्या कहते हैं कम्बो बॉक्स और डाटा ग्रिड व्यू में डाटा लोड करना है, अभी अगरचे हम लोग कर तो डाटा ग्रिड व्यू और कम्बो बॉक्सेस में रहे हैं लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसको यूज़ करना, ये जो कम्प्लेक्सिटी थी ना आप लोगों की दो दिन से फंसे हुए थे, इसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, डाटा लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, किधर भी जिधर आपकी मर्जी है, ये मसला सॉल्व हुआ है। इसमें ये जो हमने ये पैरामीटर बस ये लिखा है तो मतलब कि अगर मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे तो हाँ, कैसे ये होगा? सिंगल पैरामीटर है, अभी हम इसको कॉपी करेंगे जी, और ये मैंने सही तो नहीं कॉपी किया, ये इसको कॉपी करते हैं और ये लास्ट हमारा ऑप्शन है वो ये वाला है, और इसको हम सिंगल के बजाय क्या कर देंगे, मल्टीपल पैरामीटर्स, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एसक्यूएल पैरामीटर्स की एरे बना सकते हैं, और इसको नाम दे देंगे हम क्या, पैरामीटर्स, क्योंकि अब एरे है और मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऐड करना पड़ेगा, किस तरह से, क्योंकि एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो हमें इस पर आइट्रेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लूप, और लूप हम बड़ी आसानी के साथ, डाटा स्ट्रक्चर है ये तो डाटा स्ट्रक्चर के लिए लूप हम बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच, तो इसकी टाइप क्या है, एसक्यूएल पैरामीटर, और इसको नाम दे दूँगा मैं क्या, पैरामीटर इन इस पैरामीटर्स में, ठीक है, और इसको यहाँ से कट कर देंगे इस लाइन को और इसके अंदर लिख देंगे, और अब क्या होगा, ये पैरामीटर डॉट पैरामीटर नेम, इसको मैं कर देता हूँ पैराम कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ख़त्म हो, पैराम डॉट पैरामीटर नाम, पैराम डॉट पैरामीटर सॉरी वैल्यू, सही है। अब मुझे इसको यूज़ करना है, दोबारा चलते हैं फॉर्म वन में, अच्छा पहले तो अगेन वो मल्टीपल यार बीच में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका वो ख़त्म हो जाता है व्यू, अच्छा अब ये देखो हमने ये पास किया है ना इस तरह से, हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसे इधर पास किया है, हम इसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं, इधर आके आप लिखो न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और यहीं पे आप दे दो क्या, पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, एट एम्प्लॉय आईडी और वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, गॉट इट, ओके, इसमें कोई मसला, सर नो प्रॉब्लम, ये चीज़ और जो हमने पहले लिखी थी लाइक ये, सर इन दोनों में से बेस्ट अप्रोच कौन सी है, ऑब्वियसली वो जो अभी हम कर रहे हैं वही है जो चूंकि वो एक लाइन में हो रहा है काम, यानी कि जितना शॉर्ट कोड होगा उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है जी सर, हाँ मैं जी सर,
ये इसको मैं, चूंकि आप क्लास ले रहे हो तो आपकी समझ में आ गया है, अदरवाइज कमेंट कर दे तो रिकॉर्डिंग वाले बाद में देख लेंगे। ये हमारा इशू क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, ठीक है, सिंगल पैरामीटर्स वाला रिजॉल्व हो गया। अभी हमने यूज़ किया है मल्टी पैरामीटर। तो इसको एरे के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट ज़्यादा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, एरे अब ख़त्म हो चुकी हुई है, पता है ना। अब लिस्ट चलती है, जेनेरिक्स चलता है और लिस्ट चलती है, लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पर। अच्छा, अब हम चलते हैं इधर और आते हैं मल्टीपल कम्बो बॉक्सेस वाले सिनेरियो में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल कम्बो बॉक्स। अच्छा, पहले मैं अगेन क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर, पैरामीटर्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ एसक्यूएल पैरामीटर, पैराम वन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। तीन पैरामीटर लेट से हमने पॉज करने, पैराम टू और पैराम थ्री। अब पैराम वन मैं कर देता हूँ, हमने सोचा था कि यार हम एम्प्लॉय का नेम और आई डी लेंगे, पैरामीटर नेम इज इक्वल टू, पहला पैरामीटर है मेरे पास एम्प्लॉय आई डी और पैराम वन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वन। दूसरा पैरामीटर है मेरे पास पैराम टू डॉट पैरामीटर नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम, और पैराम टू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू लेट से मैं से कह देता हूँ रऊफ यासीन। एंड देन वैल्यू पैरामीटर थ्री डॉट पैरामीटर नेम इक्वल्स टू लेट से मैं कह देता हूँ जेंडर, एंड देन पैराम थ्री डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मेल। गॉट इट? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन तीनों पैरामीटर्स को इस लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, पैरामीटर्स डॉट ऐड पैराम वन, पैराम वन तीन कॉपियाँ बन गई। पैराम टू, फिर पैराम थ्री, ये ऐड कर दिए हमने। और फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे। देखो अभी हमारे पास पैरामीटर क्या है, ये दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे करते हैं मल्टीपल कम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डीबी डॉट गेट डेटा लिस्ट, और स्टोर प्रोसीजर लेट से मैं कह देता हूँ लोड एम्प्लॉय बाय मल्टीपल पैरामीटर्स। और ये देखो एक फंक्शन है जिसे सिंगल पैरामीटर चाहिए, एक है जिसे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स चाहिए, और एक है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, तीनों काम करेंगे। अभी हमने इसे लिस्ट देनी है तो हम इसे क्या दे देंगे, पैरामीटर्स, सिंपल एज दैट। गॉट इट? Nice. अच्छा, अब अगेन वही रोला है ये वाला, इसको हमने ख़त्म करना है। और चूंकि ये लाइन आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, अब एक पैरामीटर नहीं है कि जिसे आप बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं, इजेंट इट? यस। पहले तो ये सिनेरियो को ख़त्म करते हैं ना, कि ये हमें बार बार ये डिक्लेयर करना पड़ रहा है पैराम वन, पैराम टू, पैराम थ्री, पहले इस अप्रोच को कवर करते हैं। लेट से मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके मैं लिख सकता हूँ लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर्स न्यू लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर, ये, और इसके अंदर मैं ये सिनेरियो जो है ना वो डिफाइन कर सकता हूँ, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और इस तरह से करके।
फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये लिस्ट बना सकते हो, इसको ख़त्म कर दो, रादर देन कि आप अलग-अलग सबके पैरामीटर बनाओ, फिर एट दी एंड आप उन्हें क्या करो, लिस्ट में ऐड करो। आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। अब लेट्स इसके अंदर फिर ऐड नहीं करना उसको, ये वाली पोस्ट के बाद ये ऑटोमेटिक ऐड कर रहा है ना, ये डिफाइन कर रहा है न्यू। ठीक है। और अगर हम ये param 1 param 2 param 3 ये इसमें नहीं डिफाइन कर रहा, ये क्या चेक कर रहा है? हमने उधर क्या किया था, अलग से पैरामीटर्स डिफाइन किए थे और फिर एट दी एंड हमने लिस्ट में उन्हें ऐड किया था। अब इधर डायरेक्टली हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इनको ऐड कर देगा। ठीक हो गया। हाँ, अब हमें सबके लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये अप्रोच तो इस सिनेरियो में बेहतर है कि अगर हमने ये अप्रोच यूज़ करनी है तो उससे बेटर ये है कि हम डायरेक्टली इस तरह से लिस्ट डिफाइन कर लें और फिर फाइनली इस लिस्ट को हम यहाँ पे क्या कर दें, पास कर दें। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब अगली अप्रोच क्या है कि चूँकि पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये फंक्शन में अगर लिखेंगे तो फंक्शन में भी गड़बड़ होगी, तो हम इसे कमेंट आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने पहले अप्रोच यूज़ की थी उसी को फॉलो करते हैं। न्यू लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर, और इसके अंदर आके क्या करते हैं, हम इस इन सब को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, समझ आई बात की? ठीक हो गया। अगर आप इससे इस मसले से बचना चाहते हैं कि यार ये क्या एक फंक्शन कॉल करना था और ये बहुत गड़बड़ हो गई है, तो इसको कंट्रोल जी करते हैं। हमारे पास इससे अलग एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं, गेट पैरामीटर्स। ठीक है, कंट्रोल डॉट करते हैं, इसको जनरेट कर लेते हैं। तो हम वो चूँकि उस फंक्शन में ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल पैरामीटर को भी, तो उसने इसलिए सिंगल पैरामीटर का वाला बना दिया रिटर्न टाइप, लेकिन हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। लिस्ट, और इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी वही काम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली हम ये बना सकते हैं और फाइनली लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं, हम ये बना सकते हैं और फाइनली इस लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये बनाता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और एट दी एंड मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवा सकता हूँ पैरामीटर्स को। इज़न्ट इट, पहले एक लिस्ट बनाऊँ और फिर उसे क्या करवा दूँ, रिटर्न करवा दूँ, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज़ ये जो सबसे बेसिक ऑप्शन है ये भी अवेलेबल है, इस तरह से लिस्ट बनाऊँ एक पैरामीटर्स की और सब पैरामीटर्स उसमें ऐड करूँ और फाइनली उसको क्या करवा दूँ, यहाँ से रिटर्न करवा दूँ। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं और हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रिटर्न न्यू लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर्स। गॉट इट? राइट। कोई किसी को मसला? अरे इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो जो नीचे हम रिटर्न करवा देते हैं ये इसमें क्या फ़र्क? तो कोई नहीं है, नए नए फीचर्स हैं लैंग्वेज के, सी शार्प के। वो पहले इस तरह से काम होता था ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला सिंटैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इससे जो पहले लिखा था, और अभी ये वाला इंडेक्स है ये भी चल रहा है, सिंटैक्स है ये सबसे ज़्यादा बेहतर है ना, कि आप बजाय ऑब्जेक्ट बनाने के डायरेक्टली आप उसे रिटर्न करवाओ। हमजा सोहेल, जब 4 साल यूनिवर्सिटी के पढ़ लोगे तो उसके बाद मुझे बताना, अल्लाह करे अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे और तुम्हें भी और मेरा तुमसे रब्ता हो, तो मुझे बताना कि ये तुमने मुझे बताना कि तुमने 4 लाख यूनिवर्सिटी को दिया था और उन्होंने इस तरह का कोई एक सिंटेक्स भी तुम्हें लिखवाया हो तो मुझे बताना मेरे भाई। ठीक है सर। अच्छा, समझ आ गई सबको? सर उधर डिग्री लेने जानी है बस। हाँ, डिग्री लेने जानी है, सही है, समझ आ गई बात की? हम बच्चे भी डिग्री लेने जा रहे हैं। ये जो है अब इनको आप चेंज कर लो, बेशक हमने उनको ऐसे ही रखा था, पैरामीटर्स के नाम आप चेंज कर लो, डजेंट मैटर, वो आपको पता है कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, अभी हमारे पास स्टोर प्रोसीजर नहीं। तो ये एक सिनेरियो हमारे पास है, इस तरह से कर सकते हैं और इधर अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं गेट पैरामीटर्स को, जिस तरह से मैंने पहले बताया उस तरह से कर सकते हैं। इधर ही डायरेक्टली आप लिस्ट बना दो और अदरवाइज आपके पास ये वाली लिस्ट वाला काम सर इधर लेंथी हो जाएगा ना, वो आप सही कह रहे हैं। हाँ,
तो ये अप्रोच भी आपके पास अवेलेबल है। तो तीनों हमारे पास क्या हुए, आपका मसला जो 3 दिन से आप स्टक हुए हुए थे वो सॉल्व हो गया, और उसको सॉल्व करने के भी मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए उसको यूज़ करने के। अभी दोबारा से हमारा इस चीज़ को कस्टम ORM कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली ORM, चूँकि ORM स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, और उसमें बेशुमार क्लासेज होती हैं, बेशुमार फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाटा एंटिटी फ्रेमवर्क है वो एक ORM है, डैपर है वो ORM है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शंस हैं, क्लासेज हैं, बहुत उसमें पावर होती है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। कस्टम ORM या कस्टम क्लास लाइब्रेरी आप इसे कहो, इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास फुल कंट्रोल होता है, हर डाटा बेस खुद बनाते हैं हम लोग, स्टोर प्रोसीजर्स खुद लिखते हैं, और ओनली डिजायर्ड आउटपुट हम ले रहे होते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोडक्टिविटी के हम करेंगे, उसकी क्लास करेंगे, आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से वो बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से वो स्लो है, इसकी नस्बत ये जो हम अभी काम कर रहे हैं इसकी नस्बत वो परफॉर्मेंस के लिहाज से स्लो है, और प्रोडक्टिविटी के लिहाज से वो जाहिर सी बात है, हमें कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं करना, उसने एक दो लाइनों में डाटा लेके आ जाना, तो हमें इसके लिए थोड़ा बहुत स्टोर प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्टिविटी के लिहाज से मतलब डेवलपर के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए आसान होता है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अभी DB पे वापस चलते हैं, हमारा ये वाला काम क्या हो गया, परफेक्टली फाइन हो गया। अब मोस्टली हमारे कम्बो बॉक्सेस, डाटा ग्रिड व्यू सब के लिए ये काम करेगा, एवरीथिंग के लिए ये काम करेगा। हमें डाटा टेबल मिल रहा है, उसे हम जिद्दा दिल करें यूज़ कर सकते हैं, इजेंट इट, कम्बो बॉक्स में, डाटा ग्रिड व्यू में, रीलोड डाटा फॉर अपडेट में, हर चीज़ में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, डिलीट का ऑपरेशन है, डिलीट बाय ID या सिंगल पैरामीटर, और डिलीट बाय मल्टीपल पैरामीटर्स। अच्छा, इसको हमने यूज़ करना है, इसको कॉपी करते हैं, ये सिंगल पैरामीटर वाला इसको हम बनाएंगे, बल्कि सिंगल पैरामीटर वाला ही कॉपी करते हैं, ये कर लेते हैं कॉपी। रो भाई जी, ये फंक्शन का नेम भी चेंज करना है? हाँ, अभी सब कुछ करेंगे, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ ना, और इसको ये कॉपी और इसे इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसे कर देंगे डिलीट बाय, या सिंपल डिलीट कर देते हैं, डिलीट रिकॉर्ड, और इसमें इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी, चूँकि डिलीट करना है, इसने कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, ये डाटा टेबल भी ख़त्म कर देंगे, और उसी तरीके से कनेक्शन, फिर पैरामीटर ऐड किया, और फिर ये डाटा रीडर नहीं हमें चाहिए, हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और ये ख़त्म कर देंगे रिटर्न टाइप, ये सिंगल पैरामीटर के साथ आपका डिलीट काम करेगा, और यही नाम इसका होगा, लेकिन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे वाइड, और पैरामीटर्स ये ऐड कर दिए, अगेन ये नहीं चाहिए, और इसे हमने क्या करना, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और इसको रिटर्न टाइप को ख़त्म कर देना है। अच्छा सर, ये जो ऑब्जेक्ट हैं कमांड के साथ एग्जीक्यूट क्यूरी नॉन क्यूरी रीडर, सर इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर क्या यूज़ करना है? यार सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेजर ऑपरेशन जो होते हैं हमारे पास डेटाबेस में, क्रड, हर जगह पे जब डेटाबेस की बात होगी तो यही ऑपरेशन यूज़ होंगे, डेटा ले लो, डेटा अपलोड कर दो, डेटा एडिट कर दो या अपडेट कर दो, या डेटा रीड करो या डिलीट करो, बस यही होते हैं ना चार। Yes, sir. हाँ, तो ये जो तीन ऑपरेशंस है ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनके लिए यूज होता है हमारे पास ये चीज, और ये जो रीड वाला होता है ना, उसके लिए ये चीज होती है कि आपको डाटा रीडर लेना है, कमांड को एग्जीक्यूट रीडर करना है, और ये डाटा लोड करवा देना है डाटा टेबल में, बस। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। डाटा एक्सेप्टर, इस अडाप्टर, सॉरी डाटा अडाप्टर, उसका क्या सीन है? मैं उनकी इतनी ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता, और मेरे पास ना इतना टाइम है, 45 डेज हैं, जो मेरे लिए बेस्ट अप्रोचेज होंगी मैं आपको बताऊंगा, नेट पे सर्च कर लेना,
डेटा अडाप्टर और डेटा रीडर में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा फास्ट है परफॉर्मेंस के लिहाज से, क्या मैंने बताया? SQL डेटा रीडर और अडाप्टर को सर्च करना है परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन सा बेहतर है और फिर मुझे बताना है कल की क्लास में कि हम डेटा रीडर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब लोग याद रखेंगे, कल हमने इससे पूछना है। अच्छा ठीक हो गया सर। यस सर। हाँ कल ये हमजा भाई है ना, हमजा सोहेल, इनसे हमने पूछना है कि डेटा रीडर और अडाप्टर में क्या डिफरेंस है और हम ये वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाँ अब इधर आते हैं वापस, ये सिंपल डिलीट तो कभी होता नहीं है, डिलीट हमेशा सिंगल पैरामीटर या मल्टीपल पैरामीटर। जब सिंपल डिलीट का मतलब है कि विदाउट पैरामीटर्स तो वो यूज़ करेंगे तो पूरे का पूरा टेबल ही उड़ा के रख देगा जी। अब इसको हमने यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, डीबी डॉट डिलीट रिकॉर्ड और ये मेरा स्टोर प्रोसीजर है, डिलीट एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी, और एक पैरामीटर हमारे पास एक पैरामीटर है और दे देंगे पैरामीटर नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी और वैल्यू इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। और मल्टीपल पैरामीटर्स वाला है, इसी को कॉपी करते हैं और मैं इसी के अंदर ही बना रहा हूँ चूँकि अलहदा से नहीं बनाना चाहता अभी इस स्टेज पे ना, क्या करूँगा न्यू लिस्ट ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर और इसके अंदर क्या करूँगा, किस तरह था यार, क्या किया था हमने, अच्छा नहीं यार जी। सिर्फ वैल्यू आएगा ठीक है राइट, इस तरह से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। आज का जो काम किया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये मुझे ये सिर्फ वैल्यू का बता दें, ये वैल्यू क्या चीज है, यानी कि ये वैल्यू यार जो टेक्स्ट बॉक्स से जो टेक्स्ट बॉक्स से या ड्रॉप डाउन से जो वैल्यू जा रही होगी वो देंगे, अभी तो हम सिंपल लिख रहे हैं ना। यस सर ठीक हो गया, ओके हो गया। हां जैसे अच्छा सर ये पैरामीटर्स का सर जो नाम है वो नहीं समझ में आया, मतलब वो तो रखे नहीं हमने, ये जो तीन बनाए हैं पैरामीटर हमजा, ये देखो ये ऐसे सिंपल कॉम्बो बॉक्स जी। राशिद आपका क्या क्वेश्चन है सर? जैसे हमने रखा था ना पैरम 1 पैरम 2 पैरम 3 तो हमें आईडिया था कि इस पैरामीटर का ये नाम है, इनके हम नाम मतलब कैसे पता चलेगा हमें क्या हमें हमने क्यों पता चलेगा इनके नाम, ये वाले जो हैं ये वो स्टोर प्रोसीजर से हमने लेके आने हैं, जिस ऑर्डर में वहां पे डिफाइन हुए होंगे वही ऑर्डर आपने इधर लिखना है। ये नेम जो स्टोर प्रोसीजर से आ रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, यस सर ये स्टोर प्रोसीजर से आ रहे हैं सर। ठीक हो गया, आ नहीं रहे यहां से जा रहे हैं स्टोर प्रोसीजर में, सर उसी का जो लिंक होते हैं उसी तरतीब से मतलब सेंड करते जाएंगे तो वहां से फिर हां उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा है, पैरामीटर जा रहे हैं, ये पैरामीटर जा रहे हैं सही है। अभी जो आज हमने काम किया किसी को कोई कंफ्यूजन? सर एक चीज पूछनी जी, अगर हो गई फिर तो दोबारा रिटर्न दे देंगे, काफी चीज समझ आ गई लेकिन ओवरलोड हो गया आई थिंक। नहीं सर, अच्छा सर एक चीज पूछनी जी, जैसे हम डेटा लिस्ट यूज कर रहे हैं जी और उसमें हम बाद में कॉलम का नेम बताते हैं कि कौन सा वैल्यू वाला है, इस तरह से डिस्प्ले मेंबर कौन सा है और वैल्यू वाला, इसी तरह से ग्रिड व्यू में भी हम सिलेक्टिव जो कॉलम होते हैं वो कर लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट डीबी से ले रहे हैं डाटा और डाटा टेबल पूरा आ रहा है और पूरे का पूरा लोड हो रहा है तो इसको किस कहाँ पे कंट्रोल करें? आप स्टोर प्रोसीजर में कंट्रोल करो ना, आपके पास स्टोर प्रोसीजर है फिर आप पूरे का पूरा क्यों ले रहे हो? और प्रोसीजर से ही हम उतने ही कॉलम लेके आएंगे जितने ज़ाहिर सी बात है। देखो इधर हाइड करने का मसला नहीं है, सिंपल एक प्रॉपर्टी है, जो जो कॉलम आपने हाइड करना है ना यहाँ पे दे दो, ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स, इधर कॉलम्स का इंडेक्स दे दो 0, 1, 2, 3 जो भी है, या डबल कोट्स में लेट से मैं एम्प्लॉय आईडी को हाइड करना चाहता हूँ डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, हाइड हो जाएगा सिंपल एज दैट। लेकिन इससे आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा, जो कॉलम आपको चाहिए नहीं आप क्यों लेके आ रहे हो?
आईडी यूज करना होता है ना। हाँ, तो वो इसी तरह, वो इसी तरीके से आईडी होगा जैसे बीपीपी में लिखे, सिंपल एक आईडी के केस में वो होगा। राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ये डाटा लिस्ट में नहीं हम यूज करेंगे, हम फिर वो जिधर आपका दिल करता है उधर यूज करो यार, फॉर्म ही यूज करेंगे जिधर आपका दिल करता है। नहीं, डाटा ग्रिड व्यू और कॉम्बो बॉक्सेस के लिए हम डाटा लिस्ट को ही फॉलो करेंगे ना। ये तो मैंने आपकी कम्प्लेक्सिटी को रिमूव किया ना, कि यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको कॉल कर रहा हूँ डीबी को फॉर्म से, ताकि ये पैरामीटर्स वगैरह सिनेरियो आपको समझ आ जाए। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन? सर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोड आप लोगों को मैं नहीं दे रहा, आपकी असाइनमेंट जो है वो जो काम ऑलरेडी दिया था उसको आपने इस अप्रोच के साथ करके लाना है। कल सबका देखूंगा, अब किसी का कोई भी मैं नहीं पूछूंगा कि आज तो दो ने नहीं दिखाया, तीन ने नहीं, एक ने दिखाया, दो ने दिखाया और बाकी सुनमुन थे। कल सबका काम चेक करूंगा तभी आगे चलूंगा, अदरवाइज आगे काम नहीं करवाऊंगा। सही है, ठीक है सर। सर एक मिनट, डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर करवा दें जी। सर ये जब हम रीजन लेते हैं पूरा, मतलब कंट्री और यार एक सेकंड, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिफ्टीन क्यों नहीं आते यार ये क्लास के बाद? अगेन 15 स्क्रीन नजर आ रही है जी। सर नजर आ रही है जी। सर 16 ही है, 16 से बढ़ क्यों नहीं रहे? हाँ चलो ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसको मैं कॉपी करता हूँ, इन तीनों को ना, मल्टीपल पैरामीटर्स, गेट डेटा एबल सिंगल पैरामीटर और गेट डेटा विदाउट पैरामीटर्स, इन तीनों फंक्शंस को कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाते हैं इसके बाद। इधर आके मैं इनको क्या पेस्ट करता हूँ, बाज़ अवकात हमें चेक करना पड़ता है कि कोई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कोई अगर हमें कोई चीज़ चेक करनी हो कि ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो सिंगल पैरामीटर में तो कभी भी नहीं होगी विदाउट पैरामीटर्स। और इसको मैं नाम देते दूँ इस डेटा एग्जिस्ट, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? बूल। ठीक है, और स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर का नाम दिया और इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, बूल इज एग्जिस्ट्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रख देते हैं, पैरामीटर ऐड किया। और जब हमें इसको वो क्या कहते हैं सिंगल वैल्यू लेनी होती है तो हम ऐसा स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे जो हमें एक रिटर्न करेगा, तो हम क्या करेंगे इज एग्जिस्ट इक्वल्स टू, ये सिंपल इसको कॉस्ट कर देते हैं किससे, बूल से, और सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। वो किधर गया वो लड़का राशिद जी? सर आपने पूछा था ना, तो ये एक और चीज़ यूज़ होती है जब हमें कोई सिंगल वैल्यू स्टोर प्रोसीजर से रिटर्न करवानी हो तो हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है जी सर, बेहतर होगा जी। हाँ, सर बेहतर होगा। लेट्स से मैं प्रोडक्ट सेव करना चाहता हूँ तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट इस एक नाम से एक ही प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो ये इस फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे सिंपल, उसे प्रोडक्ट का नाम देंगे, स्टोर प्रोसीजर का नाम देंगे, वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और अगर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट दो नाम से हो सकती है लेकिन उनकी कैटेगरीज डिफरेंट है, अगर एक प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में हम दोबारा से ऐड कर रहे हैं तो फिर वो एरर दे दे, तो फिर ये इस जगह पर हम क्या कर देंगे कैटेगरी आईडी दे देंगे। जैसे हमारे एक सिनेरियो में ब्रांड भी है तो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट का नाम भी चेक करना है
कि इस ब्रांड में इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट करती, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस तीसरे फंक्शन को यूज़ कर लेंगे और इस डाटा एग्जिस्ट वाले फंक्शन को लिख देते हैं। और अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, बूल, अच्छा इसकी हमने रिटर्न करवा दिया ना, इस एग्जिस्ट, हाँ रिटर्न करवा दिया, इस एग्जिस्ट इक्वल्स टू फॉल्स, और ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इधर सिंपल लिख देंगे इस एग्जिस्ट इक्वल्स टू बूल और सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे किसको, इस एग्जिस्ट को, ये काम हमारा कर देगा। जब हमें बाज़ का चेक करना पड़ता है कि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, उसके अलावा कभी कभार ऐसा सिनेरियो होता है कि हम, लेट्स से मुझे सिर्फ बताना है कि कितनी टोटल सेल हुई है मेरी, मुझे सिर्फ डिजिट चाहिए, कि मैं कह देता हूँ कि 20,000 की सेल हुई है, फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि बताओ यार कि टोटल मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं बता देता हूँ कि यार मेरे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हैं 20 हैं, उस जगह पे मुझे डेसिमल वैल्यूज़ की ज़रूरत है, सेल पॉइंट्स में भी आ सकती है, इस जगह पे मुझे इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ 15, 20, 30 होंगे, पॉइंट्स में नहीं आएंगे। और बाज़ औक़ात मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी कोई स्ट्रिंग वैल्यू में लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ गेट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, ओनली सिंगल वैल्यू चाहिए, तो वो भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए मैं अगेन इसको कॉपी करूंगा, जब ऐसा सिनेरियो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आके इनको फंक्शन को रिपीट करते हैं और इस डाटा एग्जिस्ट के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, गेट वैल्यू, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इससे कुछ भी लेंगे, स्ट्रिंग भी लेंगे, इंटीजर भी लेंगे, डेसिमल भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट रख दी। और इधर एक इसके पैरामीटर वेरिएबल बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रिटर्न वैल्यू, और इसको फाइनली यहाँ से क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। और ये जो रिटर्न वैल्यू है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ से रिटर्न होगा डायरेक्टली इसमें मैप हो जाएगा और फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, गेट वैल्यू को इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी रिटर्न टाइप अगेन क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, और ये जो रिटर्न टाइप है इसे यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ये कन्वर्जन इसकी ख़त्म करवा देंगे, ठीक है, सही हो। तो ये जो है इस तरह से, मतलब जब हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होगी किसी भी डाटा टाइप की, तो हम इन फंक्शंस को यूज़ कर लेंगे, पैरामीटर देंगे, अगर लेट्स से हमें विदाउट पैरामीटर्स की ज़रूरत है तो वो भी हम कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर दें सिंपल, और वो हमें किसी कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, तो विदाउट पैरामीटर वाला भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब इससे इंटायर ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिंपल एग्जीक्यूट स्केलर यूज़ कर रहे हैं, तो जिसका क्या मतलब है, कोई सिंगल वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा, आइदर प्रोडक्ट नेम, टोटल एम्प्लॉयज़, टोटल कस्टमर्स, टोटल यूज़र्स, टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंसेस, कुछ भी हम उधर से रिटर्न करवा सकते हैं। ग्रिड व्यू में से पेज लोड पे जो फॉर्म लोड के ऊपर कोई भी डाटा आता है वो इससे यूज़ नहीं, वो इससे नहीं होगा, इधर से हम क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट स्केलर यूज़ कर रहे हैं, ये सिंगल कॉलम की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी हमने डाटा टेबल वाला वो लिख दिया है ना फंक्शन, ये डाटा टेबल वाला ये यूज़ हो जाएगा उस चीज़ के लिए, सही, यानी कि किसी एक टेक्स्ट बॉक्स या लेबल के अंदर हमें भी यार टुडे सेल है, टुडे एक्सपेंस आ गया, हाँ कुछ भी एक कॉलम वो रिटर्न करेगा वहाँ से, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त, सही। और कोई किसी को कोई चीज़ पूछनी हो सर, वो साइनेट है ना, उसमें चार जो कम्बो बॉक्स बनाने हैं, लाइक कंट्री, फिर स्टेट, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर तहसील, सर उसके लिए चार टेबल बनेंगे या जेनेरिक टेबल के थ्रू काम करना? नहीं नहीं, वो तो चार ही टेबल बनेंगे ना, वो तो डिपेंडेंट है ना, कैस्केडिंग होगी, यानी कि एक हाँ कैस्केडिंग है, वो कैस्केडिंग होगा, कंट्री आईडी फॉरेन की जाएगी प्रोविंसेस में, फिर प्रोविंस आईडी फॉरेन की जाएगी डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड सो ऑन,
सर हमने जो बनाया था वो उसकी जैसे आपके डाटा लिस्ट वाली अप्रोच थी उसी से बनाया था उसने, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था सी शार्प जो है ना वो कोड सी शार्प का जेनेरिक चाहिए उस चीज में। मतलब सर ये तो उतने तो टेबल बनेंगे मतलब रिलेशंस। तो हेलो हाँ जी आगे बताइए इतने टेबल बनेंगे देन लाइक जिस तरह हमने डाटा लिस्ट और डाटा लिस्ट डाटा किया था हमने टेबल लिस्ट और टेबल मेरी बात सुनो डाटा लिस्ट वो तो सिर्फ दो टेबल में हो गया नहीं, था वो उसका पर्पस क्या था टेस्ट करने के लिए हमने किया था ना। हाँ लेकिन कि हम इतने ज़्यादा टेबल बनाएंगे जो रिलेशनशिप के लिए देखो वो किसी और पर्पस के लिए था ये किसी और पर्पस के लिए। उसमें पर्पस ये था कि वो हमारे सर आई हैव टू लीव नो सी रिकॉर्डिंग थैंक यू। अच्छा उसका पर्पस ये है कि उसका पर्पस ये है कि वो हमारे प्रोजेक्ट में है और हमने 11 टेबल को सिंप्लीफाई किया। इसका पर्पस ये था कि आप सी शार्प के कोड को यूटिलाइज करो और डेटा बेस अपने हिसाब से बनाओ आइदर जो आपको नज़र आता है जो समझ आता है वो हमारा कोई टास्क नहीं है जो हमने करना है। ये टास्क था जो उस असाइनमेंट से आपने अचीव करना था जो आज मैंने आपको करवाया है। ठीक है अब इसको यूज़ करके तो कल मुझे सब लोग दिखाएंगे तो फिर आगे चलेंगे। ठीक अब और कोई बात किसी को पूछनी हो तो असाइनमेंट ही बनानी है वही जो चार कॉम्बो बॉक्स और डाटा ग्रिड व्यू वो और प्लस पीयूएस का डिजाइन भी कल चेक होगा। सारा टोटल चाहिए या सिर्फ डैशबोर्ड ही टोटल लेगा? डैशबोर्ड क्या मतलब डिजाइन में आपका कौन सा जोर लगने लगा? ड्रैग एंड ड्रॉप ही है ना? कल तक हो जाएगा ठीक है सर। हाँ होगा इंशाल्लाह आपने दो दिन रेस्ट की है होगा इंशाल्लाह होगा। प्रोग्रेस है सर चल रहा है इंशाल्लाह। तो सर इसमें जो डाटा लिस्ट वाली जो क्लास बनाई हुई है हमने उसमें जो कॉम्बो बॉक्स में डाटा जा रहा है और इसमें भी हम ये स्टोर प्रोसीजर दे रहे हैं तो ये वाला स्टोर प्रोसीजर उस डीपी वाले से डिफरेंट होगा? देखो इसका वे क्या है, इसका वे क्या है देखो हम अपने फॉर्म से स्टोर प्रोसीजर देंगे डेटा लिस्ट को ठीक है से. फिर ये डेटा लिस्ट स्टोर प्रोसीजर देगी किसको? डीबी को। स्टोर प्रोसीजर वन नहीं होगा जो हम अपने फॉर्म से देंगे ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो सर इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला कांसेप्ट किधर यूज हुआ है कि ये सारा पॉलीमॉर्फिज्म वाला ही कांसेप्ट है? गूगल पे पढ़ना उसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? सर जहां पे हम ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं ना सर मे बी मैं सही कह रहा हूं जहां पे हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल टाइप पास कर रहे हैं तो वहां पे कहता है कि ओवरराइडिंग वो पॉलीमॉर्फिज्म ही है। लाइक अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो इंटीजर आ जाएगी सेम वेरिएबल है लेकिन वो डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहा है। हाँ चलो ठीक है आप लोगों को समझ आ गई। मैं पूछ रहा हूँ किसी को कोई क्वेश्चन हो जो आज काम किए इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सर थैंक यू।